गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं जा रही हूँ अपने बालों की हेयर कटिंग करने। सो दूसरों की मैंने हेयर कट काफी कर दी, सलून वाली बनी गई हूँ, तो मैं अपने भी कटिंग कर ही लेती हूँ। और वैसे भी मैंने एक दिन आप लोग से बोला था ना कि मेरा अगर मूड खिसक गया ना तो मैं अपने बाल निपटा दूंगी, तो बस आज कुछ वही करने वाली हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा आ गई है और ये भी नीचे चले जा रहे हैं, तो इनको अभी ऊपर पहुंचाते हैं तो ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो अभी मैं आज कटिंग करने जा रही हूँ और मैं कटिंग करूँगी लेजर कटिंग। तो लेजर कटिंग मैं छोटे बड़े 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 कुछ ऐसे करने वाली हूँ, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी कटिंग। सो सबसे पहले हमें अपने बालों को कॉम करना है, अच्छे तरीके से अपने बालों को कॉम कर लेना है ताकि जरा भी उलझे ना रहें, तो कटिंग करने में ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि मैं कोई भी पोनी टेल का सहारा नहीं लेने वाली हूँ, जस्ट ओपन बाल में ही कटिंग करूँगी मैं। सो सबसे पहले मैं अपने बालों पे वाटर स्प्रे करूँगी। तो जब मैंने इन लोग की कटिंग करी थी तो इसी बॉटल में मैंने स्प्रे किया हुआ था, सो पानी मैंने फिर भर लिया है, इसका गुलाब जल मैंने हटा दिया था, तो अभी मैं इसी से स्प्रे कर लूँगी अपने बालों को। और आप लोग देख सकते हो काफ़ी मेरे बाल गीले हो गए हैं, तो अभी अगेन मैं एक बार फिर कॉम कर लूँगी ताकि जो भी मेरे बाल इधर उधर उलझे होंगे वो सारे शॉर्ट होकर के सीधे आ जाएंगे और काटने में कटिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग देख सकते हो मेरी कॉम भी हो गया है और बाल मेरे एकदम स्ट्रेट हो गए हैं। तो अब ही अब आती है कट करने की बारी। तो सबसे पहले मैं बीच से मैंने मांग पहले से ही निकाल रखी थी, तो मुझे दो पार्ट में अपने बालों को करना है, तो मैं एक पार्ट ले करके उसको सबसे पहले मैं नीचे का कट कर दूंगी। मुझे मतलब जितने छोटे आपको बाल चाहिए, जितने छोटे साइज में, तो सबसे पहले आपको एक साइड के कट कर देने हैं बाल। इससे क्या होगा कि जब आप दूसरी तरफ के कट करोगे ना तो आप उसी साइज के लेकर के कट कर दोगे। और ये देखो आप लोग देख सकते हो कितना इजी तरीके से मेरे बाल नीचे के कट हो गए हैं। तो आपको जितना भी छोटा बाल चाहिए आप उतने ही छोटे पहले नीचे से काट लो, और फिर इसके बाद अभी मैं दूसरे तरफ के भी काट लूँगी। और आप लोग देख सकते हो कटिंग के बाद ही कितने अच्छे लगने लगे हैं ना बाल, तो इसी वजह से काटना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि ज़्यादा लंबे हो गए थे, बट मुझे छोटे बाल ज़्यादा पसंद हैं इस टाइम पे, तो इस वजह से। और मैं ज़्यादा कोई कटिंग नहीं करने वाली हूँ, बहुत सिंपल कटिंग ही लेजर में करूँगी क्योंकि अभी मतलब ससुराल में रहना है, फिर इसके बाद मायके जाना है, तो अभी जीन्स वींस पहनने का कोई काम ही नहीं है, तो ज़्यादा कटिंग वाले बालों का भी कोई इतना मतलब नहीं है। तो वैसे भी यहाँ सर में पल्ला ही रखते हैं तो कटिंग वटिंग का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इधर का भी सेम साइज में ही काट दिया है और दोनों एकदम इक्वल ही लग रहे हैं, बिल्कुल भी छोटा या बड़ा नहीं लग रहा है दोनों तरफ से बाल। तो सबसे पहले हमें ऐसे ही अपने दोनों तरफ के बालों को डिवाइड करके इक्वल हमें काट लेना है बराबर बराबर, और फिर इसके बाद हम अपनी आगे की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो बस हमें फिर सबसे पहले कॉम कर लेना है तो ताकि बाल हमारे जो उलझे हैं वो और सुलझ जाएं अच्छे से। सो हमें सबसे पहले अपनी फ्रंट लेयर को लेनी है, और जितने भी मेरे बाल हैं पूरे मैंने पीछे कर लिया है। तो आप लोग चाहो पोनीटेल भी बना सकते हो, बट मैं नहीं बना रही हूँ, ओपन ही कर रही हूँ। और अभी मैं अपने फ्रंट वाली लेयर को जो मैंने ले रखी है उसको मैं कट कर रही हूँ, और हमें ऊपर से लेकर के नीचे की ओर ले जाना है अपने लेयर को ताकि मतलब ऐसा ना हो बाल हमारे एक बराबर ना लगे। और मैं आगे के थोड़ा छोटे ही रखूंगी क्योंकि काफ़ी मेरे जो आगे के लेयर है ना वो हो गए थे, तो मैं उनको थोड़ा छोटा ही कट करूंगी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप लोग को जितना छोटा या बड़ा करना हो। सो अभी आप लोग को मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखो कैंची को मैंने नीचे की तरफ किया हुआ है, सो हमें ऊपर से नीचे की ओर अपने बालों को काटते हुए जाना है। और अगर आपका कोई एक्स्ट्रा बाल छूट जाता है तो आपको उसको पीछे वाले बड़े बालों में शामिल कर लेना है, इंक्लूड कर देना है। एंड अगेन मैं एक फिर लट ले लूंगी, और ऐसे ही फिर एक और लट लेने के बाद मैं ऊपर से ही कैंची को चलाऊंगी और ऊपर से नीचे की ओर लेते जाना है। और बहुत केयरफुली आपको काटना है, मतलब थोड़ा लेट लगेगा तो लगेगा, बट ऐसा ना हो ना कि आप ज़्यादा जल्दी के चक्कर में छोटी सी गलती से आपके बाल बर्बाद हो जाएं। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे कटे हुए हैं ना, नीचे मतलब लंबे लंबे हैं और ऊपर बड़े बड़े। सो ऐसे ही हमें पूरे के पूरे अपने बालों को काट लेना है, एक बार एक तरफ की लट, एक बार दूसरे तरफ की लट।
अभी मेरी आगे की दो दो लेयर में कटिंग हो गई है, तो अब मैं अपनी तीसरी बालों की लेयर को भी ले लेती हूँ और उसको भी कट कर लेती हूँ। और देखो मैं उल्टे साइड से ही कट करने वाली थी, तो अचानक से फिर मुझे दिखा कि अरे मैं तो उल्टे साइड से कर रही हूँ। तो हमें मतलब सेम प्रोसेस ही रहने हैं, हमें मतलब छोटे छोटे मतलब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर ले जाना है अपनी लटों को। और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मतलब कितनी पतली पतली लेयर लेकर के अपने बालों की काटना है। जितनी कम कम मतलब बालों की लेयर लेकर के काटोगे उतनी अच्छी मतलब कटिंग आएगी आपकी। जैसे कुछ स्टेप या फेदर कटिंग होती है तो वैसे दिखने लगेगा। अगर आप पतली पतली अपने जो बालों की लेयर है उसको लेकर के काटोगे ना, तो जो फेदर कटिंग होता है, स्टेप कटिंग होता है, कुछ वैसे लगने लगेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं ज्यादा नहीं, मैं पतली लेयर में कट करूंगी क्योंकि मुझे अभी नहीं मतलब मुझे वैसे बाल उतने चाहिए। तो मैं पीछे के अपने जो मेरे बाकी बाल बचे हुए थे मैं उनमें कटिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने आगे की तीन तीन लेयर में ही कटिंग करी हुई है, बाकी मैंने छोड़ दिया है। बट फिर भी आप लोग देख सकते हो ना कितनी अच्छी कटिंग लग रही है मेरी। एंड अभी मैं अपनी फ्रंट हेयर कट करूंगी, तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको करनी है तो करो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, आप सिर्फ लॉन्ग लेजर में ही कट कर सकते हो। बट मुझे फ्रंट हेयर कट भी करना है, छोटे छोटे मतलब बाल आगे के करने हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े थोड़े कट ही करूंगी। और जैसे बहुत लोग होते हैं ना अपने फोरहेड पे बाल कट करते हैं, मैं भी कई बार करती हूँ। जैसे मैंने ठंडियों में विंटर में किया था वो हेयर कट, बट अभी मैं नहीं करने वाली क्योंकि साड़ी पे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से मैं अभी वो हेयर कट नहीं करूँगी, मैं लंबे बाल ही रखूँगी। बट फ्रंट हेयर कट भी करूँगी। और तो हमें अपने अकॉर्डिंग कट कर लेना है बालों को, जितना आपको छोटा चाहिए उतना आप कर सकते हो, जितना लंबा चाहिए उतना कर सकते हो। और फिर मैं इसके बाद अपने हेयर कट करने के बाद कैंची से मैं अपने आगे से कट कट करती जाऊँगी ताकि सब एक बराबर आ जाएं बाल। सो मेरे बालों की पूरी कटिंग ऑलमोस्ट हो गई है, तो बस अभी मुझे ये करना है कि मैं अपने नीचे के बाल लेकर के दोनों पार्ट में मतलब डिवाइड कर दूंगी। और फिर मुझे अपने नीचे के बाल लेकर के ऐसे लंबे लंबे कैंची नीचे के बालों में चला देना है, ताकि जो भी बाल छोटे बड़े रहते हैं वो सेट हो जाते हैं। और क्या होता है ना कि ऐसे लंबी लंबी कैंची चलाने से ना बाल एक बराबर नहीं लगते हैं, वरना वो अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है। सो ऐसे आप लोग देख सकते हो जैसे मैं लंबे लंबे ऐसे कैंची चला रही हूँ, तो ऐसे ही चला देना है, तो बाल थोड़े थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं और एक साइज के भी हो जाते हैं, तो ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप ऊपर के कटिंग करो या नीचे की करो, ऐसे लंबी लंबी कैंची जरूर चला देनी चाहिए। बहुत लोग नहीं चलाते हैं, आई नो स्किप कर देते हैं, बट वो फिर ना कुछ ज्यादा ही बराबर बाल लगने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग देख सकते हो मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है और कितनी अच्छी कटिंग लग रही है ना, मैंने ज्यादा पतली लेयर में कटिंग नहीं करी है बट फिर भी कितनी अच्छी लग रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को मेरी कटिंग कैसी लगी। बट मैंने कर तो लिया लेकिन अभी इसको दिखना नहीं है क्योंकि मुझे जीन्स वगैरह अभी पहनना नहीं है, साड़ी पहनना है और साड़ी में सर में पल्ला रखना है, तो इसका ज्यादा मतलब नहीं है। बट फिर भी मैंने कट कर लिया है क्योंकि गर्मी आ गई है ना, तो ज़्यादा बड़े बाल मुझसे सहन नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं अभी कट कर ही लेती हूँ। और आप लोगों ने बोला भी था कि दी एक हेयर कट का वीडियो बनाइएगा। एंड अभी मैं आप लोग को बैक से भी अपने बाल दिखाई दे रही हूँ कि बैक से मेरे हेयर कैसे दिख रहे हैं कटिंग के बाद। तो आप लोग देख सकते हो मैंने ज़्यादा मतलब कटिंग नहीं करी कि बट फिर भी कितनी अच्छी कटिंग आई है ना, एकदम स्टाइलिश कटिंग लग रही, बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहा है ना जैसे आप बराबर के बाल सिंपल प्लेन काट देते हो, वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो अगर आपने दो तीन लेयर भी कट कर दी ना लेजर वाली, तो भी आपके बाल बहुत स्टाइलिश दिखने लगे हैं, जैसे मेरे दिख रहे हैं आप लोग देख सकते हो। और जब मैंने हेयर कट भी कर लिया, आप लोग को दिखा भी दिया, तो खड़े होकर के एक पोज देना तो बनता ही है ना, अगर खड़े होकर पोज नहीं दूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना आप लोग को देख करके कि बैठे बैठे ही पूरा वीडियो बना दिया। तो इसलिए खड़े होकर के एक पोज देना तो जरूरी है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी कटिंग लग रही है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताना जरूर कि आप लोग को मेरी कटिंग कैसी लग रही है, और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और जब आप कोई चीज मतलब न्यू चीज समथिंग डिफरेंट चीज पहली बार करते हो ना, तो वो
थोड़ा सा अलग ही लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे बहुत दिन हो गया था मेरे बड़े बड़े बालों को, मतलब काफी दिन से बड़े थे बाल। जब मैं जयपुर घूमने गई थी तब मैंने कटिंग करी थी, बट बहुत ज्यादा नहीं, मैं ऐसे नीचे से थोड़ा थोड़ा कटिंग करी हुई थी, ऐसे लेजर में नहीं मैंने कट करा हुआ था। तो काफी दिन हो गए मुझे, 7-8 महीना तो हो ही गया कटिंग किए हुए, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सो गाइस, ये थी मेरी फाइनल हेयर कट। तो अगर आप लोगों को मेरी हेयर कटिंग पसंद आई हो और मेरे ऊपर ऐसे छोटे बाल पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, जो जो भी घर में अपने बाल काटना चाहता है ना, ऐसे मेरे इजी ट्रिक से काट सकता है। मैंने, जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, ना मैंने कोई पोनीटेल बनाया है, ना मैंने कोई क्लिप का सहारा लिया है। मैंने जस्ट ओपन बाल में ही अपने बालों को कट कर लिया है, तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। तो चलो, मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलो, बाय बाय।